नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू टू अ टैलेंटेड इंडियन एथलीट। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज आपका आपकी जो मुलाकात है वो हम एक एथलीट से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताना है और आगे क्या करेंगे, क्या उनका लक्ष्य है, उसके बारे में भी बात करना है। आपको याद है मेरे कुछ वीडियोस पहले पैरा एथलीट संदीप जंगरा का इंटरव्यू लिया था, और आज जो हमारे जो इंडियन एथलेटिक्स में जो स्टीपल चेस है उस इवेंट के बारे में हमारे भाई नितेश गुलिया बताएंगे। ये 3000 मीटर स्टीपल चेस जो है वो इवेंट खेलते हैं, और नितेश जो है हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और हरियाणा स्टेट में अभी जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी वहां पे इन्होंने एक गोल्ड लिया है। तो आइए अब नितेश से बात करते हैं। तो नितेश, आप बताइए कि आपकी जो जर्नी है एज एन एथलीट कब शुरू हुई? मेरी जर्नी बड़े भाई आज से दो साल पहले स्टार्ट हुई। कितने साल के थे आप जब? मैं बड़े भाई 17 साल का। 17 साल के का था। तो एक बात बताइए, नॉर्मली कोई भी स्पोर्ट्समैन है कम उम्र में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, तो एथलेटिक्स की तरफ, रनिंग की तरफ या स्टीपल चेज की तरफ जो आपका इंटरेस्ट है वो 17 साल की उम्र में ही गया या कुछ और सोचा था आपने पहले? पहले मैंने बड़े भाई लॉन्ग डिस्टेंस में 5 किलोमीटर के लिए ट्राई किया था, पर उसमें मेरा टाइमिंग थोड़ा अच्छा नहीं आया था, इसलिए फिर जैसे मेरे कोच ने मेरे को बोला कि तेज तुम्हारी हाइट भी अच्छी है इसलिए तुम स्टीपल चेज को ट्राई करो, फिर मैंने स्टीपल चेज के लिए ट्राई किया तो थोड़ा मेरा बेस्ट होता गया, फिर मैंने उसके लिए ट्राई किया, फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई बड़े भाई, फिर मैंने अच्छा टाइम निकाल के वो हरियाणा स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लिया। और मुझे ये बताइए नितेश कि अभी जो आप ट्रेनिंग है महाराष्ट्र में कर रहे हैं, नासिक में कर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है, वाई नासिक? जैसे बड़े भाई नासिक में अच्छे कोच हैं, जो मेरे कोच हैं विजेंद्र सिंह कोच, वो ओलंपियन कोच हैं और स्पोर्ट भी करते हैं थोड़ा खिलाड़ी को, इसलिए मैं नासिक में गया। वहाँ का वो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है एथलीट के लिए, उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से होती है, इसलिए मैं नासिक गया। और वो आप जाने से पहले आपसे बात भी की मैंने, तभी मैंने नासिक के लिए जाने का। तो नासिक में आपकी पूरी ट्रेनिंग चल रही थी। आप ये बताइए कि ये जो इवेंट है 3000 मीटर स्टीपल चेस, इसमें एथलीट को क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, क्या चीज़ उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है? जैसे 3000 मीटर स्टीपल चेस में बड़े भाई 35 हर्डल होती है, जिनमें से 5 हर्डल पानी की होती है, वाटर जंप, उसमें सबसे मेन वाटर जंप होता है। अगर वाटर जंप और हर्डल में प्रॉब्लम होगी तो रनिंग का पेस और जजमेंट सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इसमें टेक्निकल वर्कआउट करना पड़ता है, जिसमें हर्डल वर्कआउट भी होता है। हमारा वीक में कम से कम 4-5 बार हर्डल वर्कआउट होता है। आपने मेरा तो माइंड जो है स्पिन में चला गया। तो पहले पानी आपने बोला वाटर के करने हैं? पहले सबसे पहले बड़े भाई एक काट की फट्टी आती है जैसे हर्डल बोलते हैं, वो 3 को क्रॉस करके फिर एक वाटर जंप आता है, इसके 7.5 राउंड लगाने पड़ते हैं फिनिशिंग में, तब जाके फिनिश होता है। टोटल मिला के 35 हर्डल क्लियर करनी पड़ती है, और आगे आगे जैसे इसकी 2 हिट भी हो जाएंगे, ये तो कंपटीशन था और आगे शायद इसकी 2 हिट। तो हरियाणा स्टेट से गोल्ड मेडल ले लिया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, बहुत बहुत बधाई हो। और जी कर मेरे बेटे, और क्या कहते हैं, अब हरियाणा स्टेट से अब आप नेशनल्स की तरफ जाएंगे? अभी हरियाणा स्टेट अभी 2 से 4 जून को नेशनल हो रहे हैं वहाँ पे गुजरात के वडोदरा में, वहाँ पे वर्ल्ड जूनियर के लिए क्वालिफाई होगा जिसका टाइमिंग 9:09 होगा, अगर वो क्वालिफाई होता है तो उसके बाद वर्ल्ड जूनियर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और वर्ल्ड जूनियर अभी 2 मंथ के बाद होगा। तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क है अभी जो आपने हरियाणा स्टेट खेला था उसमें आपका क्या रहा? मेरा टाइमिंग वहाँ पे 9:15 सेकेंड रहा है, और वहाँ पे मैंने बहुत अकेले में रेस लगाई है, आगे मेरे कॉम्पिटिटर भी अच्छे मिलेंगे और मेरी टाइमिंग भी बेस्ट होगी, और एक बड़े भाई की दुआ भी मेरे साथ है, मैं वाकई भी अच्छा करूँगा। तो नितेश, आपने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विवरण दिया, डिस्क्रिप्शन दिया ये इवेंट होता क्या है, और हमारे दर्शकों को भी इस चीज़ का आइडिया दिया,
और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप गोल्ड मेडल लेंगे और फिर जो है हमें मौका देंगे आपका इंटरव्यू देने का, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ, मतलब जो आपने इंटरनेशनल इवेंट की बात करी है उसका वो हमारा लक्ष्य होगा, तो वन स्टेप एट ए टाइम हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच दर्शकों, आपने टाइम दिया, नितेश भाई के साथ हमने बात करी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।